मान रहीम बंदा नचीज असगर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। हमने बच्चों चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है और उसके क्वेश्चन हमने कर लिए 24। अब करेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, ए कॉलम हमें दे दिया, ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4 और हमें बी मैट्रिक्स दे दिया। बच्चों हमारे पास बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या, हमारे पास 2 3 4 5 और फाइंड करें ए प्लस बी। बच्चों हमने इन दो कॉलम को क्या करवाना है, प्लस ए और बी मैट्रिक्स। बच्चों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ए प्लस बी मैट्रिक्स। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 3 4 ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स 2 3 4 5। इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस, हमने ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, प्लस, पहला रुकन पहले में प्लस कर देंगे, दूसरा रुकन दूसरे में प्लस कर देंगे, तीसरा रुकन तीसरे में, चौथा रुकन चौथे में प्लस कर देंगे। पहला एलिमेंट पहले में प्लस 1 प्लस 2, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस और तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस। 1 प्लस 2 3 आ गया, 2 प्लस 5 3 5 आ गया, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 5 कितना आ गया, 9। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर। बच्चों हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू, बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमने फाइंड करना है, ए प्लस बी। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करवाना है, प्लस, ए मैट्रिक्स की वैल्यू बी मैट्रिक्स की वैल्यू, दोनों को क्या करेंगे, प्लस, पहला एलिमेंट पहले में प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस करवा देंगे। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। अब करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स 2 3 4 5, देन फाइंड ए माइनस बी। बच्चों हमने क्या करना है, ए माइनस बी करना है, दो मैट्रिक्स को हमने क्या करवाना है, माइनस। बच्चों ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 3 4, माइनस बी मैट्रिक्स की वैल्यू 2 3 4 5, दोनों को क्या करवाना है, माइनस, ए माइनस बी, दोनों मैट्रिक्स को क्या करवा देना है, माइनस। पहला रुकन पहले में माइनस, दूसरा रुकन दूसरे में माइनस, तीसरा रुकन तीसरे में माइनस, चौथा रुकन चौथे में माइनस। बच्चों पहला एलिमेंट पहले में माइनस कर देंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे के साथ माइनस कर देंगे। बच्चों पहला एलिमेंट पहले के साथ माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे के साथ माइनस। प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1, प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1, प्लस का 4 माइनस का 5 माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ जाएगा। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 26। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। इफ ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स 2 3 4 5, फाइंड करें, देन फाइंड ए इंटू बी। ए और बी को हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। बच्चों ए और बी मैट्रिक्स को हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 3 4,
बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 2, 3, 4, 5। बच्चों मल्टीप्लाई करवा देंगे ए और बी मैट्रिक्स को, ये भी 2 बाय 2 है, ये भी 2 बाय 2, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, फिर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के साथ, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 4। अब पहली रो दूसरा कॉलम, बच्चों पहली रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5, पहली रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस लिखेंगे जब दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे प्लस, फिर 2 को 4 के साथ, देखो पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 1 मल्टीप्लाई 3, फिर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो के हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। बच्चों कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ना पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, लेकिन जब ए दरमियान में प्लस लिखेंगे, अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब दूसरी रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2, 4 दुनी 8 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 दुनी 10 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2, 6 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 4, 16 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3, 9 आ गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, 9 आ गया। फोर मल्टीप्लाई फाइव कितना आ जाएगा, 20। बच्चों 2 प्लस 10 आ गया, कितना 13 आ गया, कितना आ जाएगा ये 4, 22 आ गया और 29 आ गया। बच्चों ये था हमारा फाइनल आंसर, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, 2, 3, 4 के इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड के, के की वैल्यू मालूम करें। बच्चों अगर ये जोन सा मैट्रिक्स, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अगर जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए, वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नादर नादर कॉलम। इसको लेट कर लेंगे ए के, 2, 3, 4 के। अगर ए कॉलम का डिटरमिनेंट आ जाता है 0 के बराबर, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंगुलर। बच्चों ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा। उसने बता दिया ये मैट्रिक्स कौन सा हमारा, सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर। अगर बच्चों ये मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अब ए का डिटरमिनेंट, बच्चों ए का डिटरमिनेंट क्या हमारे पास, 2, 3, 4 के इज इक्वल टू 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, 2 के
चार तीन बारह इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस का बारह है, उस तरफ जाके प्लस का बारह हो जाएगा, बारह ये टू मल्टीप्लाई, इस तरफ आके टू डिवाइड हो जाएगा, दो एकम दो, दो छः बारह, के की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, सिक्स, के की वैल्यू हमारे पास सिक्स आ गई। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ये हमारा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब करेंगे इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद करेंगे छुट्टी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मैथ कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 29 फाइंड करें ए इनवर्स इफ ए, कॉलम हमारे पास कितना, 5 3 1 1, ए मैट्रिक्स दे दिया, हमने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। बच्चों सबसे पहले ए इनवर्स का फार्मूला क्या हमारे पास, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेट, ए इनवर्स का फार्मूला क्या हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेट। बच्चों सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेट 5 3 1 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इसके साथ डिटर्मिनेट फाइंड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 5 आ गया माइनस फार्मूले वाला, 1 मल्टीप्लाई 3 3 आ गया, 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 2। अब इसका इनवर्स क्या है, पॉसिबल है बच्चों, अब देखो डिटर्मिनेट आ गया, कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसका अगर डिटर्मिनेट में कोई ना कोई वैल्यू आ जाए, इसका मतलब क्या, इनवर्स पॉसिबल है, पॉसिबल इनवर्स क्या हमारे पास है, पॉसिबल है। तो बच्चों अब क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है हमने, अब देखो ए का एडजॉइंट मालूम करना है बच्चों, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे, देखो ये 1 है, ये 5 की जगह पर चला जाएगा, ये 5/1 की जगह पर चला जाएगा बच्चों, इस वितर की जगह चेंज कर देंगे और इस वितर की अलामतें चेंज कर देंगे, ये फार्मूला किसका, एडजॉइंट का, इसकी जगह चेंज कर देंगे, देखो जगह चेंज कर दी, ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 कर देंगे, प्लस का 1 है तो माइनस का 1, बच्चों इस प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज करेंगे और ऑफ डायगोनल की अलामतें चेंज कर देंगे, देखो प्लस का 3 था माइनस का 3, प्लस का 1 था माइनस का 1, अब ये था एडजॉइंट ऑफ ए, अब फार्मूला लगा देंगे, ए इनवर्स बच्चों किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेट, बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए क्या हमारे पास, 1 माइनस का 3 माइनस का 1 5, डिटर्मिनेट ए का डिटर्मिनेट क्या वैल्यू है, ए के डिटर्मिनेट की 2, ये 2 आ जाएगी, ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर बच्चों यूट्यूब के ऊपर अगर मेरा कोई लेक्चर आपको नहीं मिलता किसी चैप्टर का, शॉर्ट क्वेश्चन का, तो आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, तो इस पर रابطہ करना है ताकि मैं उन लेक्चर के आपको लिंक सेंड कर दूँगा, तो आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।